हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन कोचिंग श्रुति सो टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ क्लास सेट पीवाईक्यू क्यू के साथ हम आएंगे एसएससी सीजीएल टायर टू का सेक्शन है और पीवाईक्यू क्यू ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ठीक तो वेरी गुड आफ्टरनून टू तो ऑल स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए जल्दी से आज की क्लास को लाइक कर दीजिए शेयर कर लीजिए जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं एसएससी बैंक रेलवे की तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की लाइव क्लास है और मैं बता दूं कि हमारे यहाँ यानी कि दीओ दी ऑनलाइन कोचिंग के चैनल पे यानी कि टी स्किल चैनल पे आपको लाइव क्लासेस कंप्यूटर की मंडे वेंसडे फ्राइडे को लाइव एट वन पीएम एम बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट हो जाती है तो आप लोग ज्वाइन करें और जल्दी से शेयर करिए जो नए आ रहे हो वो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अपडेटेड क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जो प्रीवियस क्लासेस नहीं कर पाए हैं वो ज़रूर से थ्योरी वाली प्रीवियस क्लासेस प्ले में जाके कर सकते हैं और मैं बता दूं जो बच्चे ऐप पे ज्वाइन होना चाहते हैं और कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें टी ओ सी लर्निंग ऐप जहाँ पे आपको कंप्यूटर का मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल मिलेगा जैसे कि ट्रिपल सी डी सी एडीसी और इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज लाइक वर्ड एडवांस एक्सेल पावर पॉइंट नेटवर्किंग इंटरनेट ये इंडिविजुअली भी अवेलेबल है उसके अलावा अगर आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं टेली ई आर पी नाइन सीखना चाहते हैं तो इस टाइम टेली ई आर पी नाइन पढ़ाया जा रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं तो टेली का कोर्स करना चाहते हैं तो टेली भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको कोई भी कंप्यूटर कोर्स आप ज्वाइन करते हो वहाँ पे आप थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर को सिखाया जाएगा जिसमें आपको कौन कौन से कंटेंट मिलेंगे तो आपको मिलेंगे डीपीपीक्विज असाइनमेंट टेस्ट सीरीज ये सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेगी ऐप पे तो आज ये डाउनलोड करिए जीओसी लर्निंग ऐप और अगर आप कोई भी कम्प्यूटर कोर्स ज्वाइन करते हो तो वहां पर ट्वेंटी आपको इस ईयर आप लोगों के लिए ऑफ डिस्काउंट चल रहा है तो आप बीस परसेंट ऑफ पा सकते हो किसी भी कंप्यूटर कोर्स में श्रुति ट्वेंटी कूपन कोड अप्लाई करने पर चलिए फिर आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर वन लेकर आते हैं ट्वेंटी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एमसीक्यू है एसएससी सीजीएल टायर सी में जो क्वेश्चन आ चुका है 2023 यानी इसी साल वही क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके हैं तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो है द मैसेजर सैटेलाइट लॉन्च बाय द नार्सा इज टू स्टडी मरकरी वीनस स्टेड जुपिटर और ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल 2010 में आ चुका है ठीक यहाँ पे एसएससी सीजीएल के ही सारे पेपर हैं ठीक जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछ पूछ चुके हैं ये 2010 में ये क्वेश्चन पूछा था द मैसेजर सैटेलाइट लॉन्च बाय नाश नासा इज स्टडी हर क्वेश्चन में आपको ट्वेंटी सॉरी टेन सेकेंड्स मिलेंगे तो टेन सेकेंड्स में आपको आंसर देना है तो चलिए फिर इसका राइट right आंसर बताते हैं कि क्या है राइट right आंसर है मरकरी ठीक मैसेजर सैटेलाइट लॉन्च हुई टू मरकरी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड सारे नोट्स निकाल के सारे क्वेश्चन जरूर से नोट डाउन करें सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एस एस सी में पूछे हुए हैं क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल ठीक ऑप्शन है हैज अ माइक्रो प्रोसेसर बट कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड बाय द यूजर कैन प्रोसेसर स्मॉल डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स विद विद द यूज ऑफ लार्ज सीपीयू इंटरेक्ट्स विद द यूजर इन इंग्लिश कैन नॉट टेक द डेटा फ्रॉम द यूजर ये क्वेश्चन ये भी एसएससी सीजीएल 2010 में पूछ चुका है जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या है एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन एन इंटेलिजेंट टर्मिनल तो चलिए फिर टाइम अप करते राइट आंसर इसका बताते हैं कि क्या है राइट आंसर है

ये क्वेश्चन टू थाउजेंड टेन में पूछ चुका है तो सारे क्वेश्चन जरूर से नोट्स निकाल के नोट डाउन करें देखिए किस किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत अब क्वेश्चन होता है कंप्यूटर से भी तो जरूर से क्वेश्चन नोट डाउन करें ताकि आपके पास प्रॉपरली नोट्स रहे ठीक है क्वेश्चन आपके पास रहे अवेलेबल फॉलोइंग कंट्रीज हेज रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर ट्विटर फिर इसका राइट right आंसर बताते हैं कि क्या है राइट right आंसर है इंडिया ठीक इंडिया इज अस्ट रीसेंटली बिकम दर्ड लार्जेस्ट सॉरी ये फर्स्ट नहीं है थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर द ट्विटर ठीक इंडिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं प्रोसेसर स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन ऑप्शन है बीपीएस एमआईपीएस वर्ड और हर्ट्स और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2010 में ये भी पूछ चुका है तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्रोसेसर स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इज इन सॉरी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताइए तो चलिए फिर राइट आंसर बताते हैं कि क्या है राइट right आंसर है हर्ट्स डी ठीक प्रोसेसर तो की जो स्पीड मेजर होती है वो हर्ट्स में होती है ठीक है सारे आंसर्स भी नोट डाउन करिए क्वेश्चंस नोट डाउन करिए जो आंसर सही है वो जरूर से मार्क कर लीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज इज अ सी लैंग्वेज क्या है लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज या असेंबली लेवल लैंग्वेज ये भी एसएसी सीजीएस सेकंड शिफ्ट में Uh, 2010 में पूछ चुकी है सी लैंग्वेज क्या है सी लैंग्वेज इज अ अशन आराम से पढ़िए फिर बताइए तो चलिए फिर टाइम आप करते हैं राइट आंसर बताते हैं कि क्या है राइट आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज सी लैंग्वेज क्या है पहले तो सी लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्या है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक जिसे जो हाई लेवल लैंग्वेज में आती तीन टाइप की लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज तो हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन और मीडियम लेवल लैंग्वेज ठीक तो जिसमें से हाई लेवल लैंग्वेज में आती चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है विंडोज सेवन इज़ द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन हैज डैश इंडियन लैंग्वेज फॉन्ड्स ऑप्शन है फोर्टीन ट्वेंटी सिक्स थर्टी सेवन या फोर्टी नाइन एस एस सी सीजल टू थाउजेंड टेन में ये भी क्वेश्चन आ चुका है Windows 7, the latest operating system from the Microsoft Corporation has the Indian language fonts. Indian ke कितनी language fonts hain? तो चलिए फिर right answer बताते हैं। तो Indian के जो कितने language fonts हैं वो है 49 nine, ठीक सबसे ज़्यादा है इसमें से forty nine languages हमारे इंडिया के लैंग्वेज पॉइंट है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ने देखिए इस इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है तो कंप्यूटर तो जिन्हें लगता है कि बहुत इजी आता है तो वो तो अब जागरूक रहे क्योंकि कंप्यूटर अब इजी नहीं आता बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है ठीक द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर द कम कमर्शियल यूज वॉज एम ए एन आई ए सी एन आई ए सी ए सी यूनिमैक्स यानी कि यू एन आई वी ए सी या ए डी एस ए सी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएँ तो चलिए फिर इसका राइट right आंसर बताते हैं कि क्या है राइट right आंसर है यूनिमैक्स ठीक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक ऑटोमैटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है ठीक यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है ठीक है तो चलिए फिर नेक्स्ट ये एसएससी अच्छा, सीजीएल 2011 में क्वेश्चन आ चुका था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ने एट में आते हैं अ कम्युनिकेशन नेटवर्क व्हिच इज यूज़ बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर द रीजनल नेशनल एंड ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड लैन वैन मैन या वैन ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2011 में आ चुका है ठीक 2011 पे ये क्वेश्चन पूछ चुका है जल्दी से राइट आंसर बताइए अ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ठीक वो कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जा तो रहा right है तो चलिए फिर राइट आंसर बताते हैं कि क्या है जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात आए तो वहां पे लार्ज यानी ब्रॉड कहाँ यूज करते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन राइट आंसर है बी ठीक लार्ज ऑर्गेनाइज यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क वाइड यानी बड़ा काफी ब्रॉडली जो ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है नेटवर्क पे वो वैन होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन में आते हैं इंडियन आर्मीज ऑपरेशन श्याम वॉज रिलेटेड टू तो कश्मीर इंडो चाइना बॉर्डर इन देंट्रल दे री, 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 रीजन नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर इन अ पंजाब एंड राजस्थान जल्दी से राइट आंसर बताइए इंडियन आर्मी ऑपरेशन श्याम रिलेटेड टू थाउजेंड इलेवन में ये भी क्वेश्चन आ चुका है दो हजार ग्यारह पे तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए ठीक है अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए आंसर इंडियन आर्मी वाज वाज ऑपरेशन रिलेटेड तो चलिए फिर राइट right आंसर बताते हैं राइट आंसर है डी इंडो पाक बॉर्डर इन पंजाब एंड राजस्थान ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन में आते हैं एक और क्वेश्चन आ गया है द हेड क्वार्टर ऑफ एम सी एफ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी द नर्वस सेंटर ऑफ इंटायर स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन इन इंडिया इज ऐट हैदराबाद आंध्र प्रदेश को कोलम्बा केरला श्री हरी हरिकोटा आंध्र प्रदेश हसान कर्नाटका ये क्वेश्चन भी आ चुका है इलेवन में ठीक है ये टू थाउजेंड इलेवन में अच्छा एस सी सी जी एल दो हजार ग्यारह में ये क्वेश्चन पूछ चुका है क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से आंसर बताइए

साइकोलॉजी पब्लिशिंग स्टेटिक्स सेंडिंग ये क्वेश्चन एस एस सी सी जी में आ चुका है दस और ग्यारह से बहुत सारे क्वेश्चन है आज, SSC, CGL के तो जल्दी से राइट आंसर बताइए साइकोलॉजी सेटेलाइट सॉरी पब्लिशिंग स्टेटिक मैसेज सेंडिंग स्टैटिक्स तो चलिए फिर राइट आंसर बताते हैं कि क्या है राइट right आंसर है स्टैटिस्टिक स्प्रेडशीट यूजफुल है किसके लिए स्टैटिक्स के लिए ठीक चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आते हैं अ ग्रुप ऑफ वेयर इज आ हार्डवेयर नेटवर्क सॉफ्टवेयर फ्रेमवेयर एस बी आई सी जी एल टू थाउजेंड इलेवन में पूछ चुका है एस बी आई सी जी एल या एस एस सी सी जी एल है ठीक है ये गलती से एस बी आई टाइप हो गया है ग्रुप ऑफ वेयर इज राइट आंसर चलिए बताते हैं राइट आंसर है सॉफ्टवेयर ठीक राइट आंसर इज अ सी सॉफ्टवेयर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन में आते हैं द ट्रांसफर ऑफ डेट फ्रॉम आ सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव थ्रो अचीव थ्रो इंटरफेस बफर मेमोरी मॉडर्म्स या कंप्यूटर पोर्ट्स एस एस सी सी जी एल टू थाउजेंड ट्वेल्व में ये क्वेश्चन आ चुका है दो हजार बारह पे एस एस सी सी जी एल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है तो चलिए फिर इसका राइट right आंसर बताते हैं कि क्या है राइट right आंसर है कंप्यूटर पोर्ट डी इज अ राइट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क लैनस में कौन सा नेटवर्क यूज नहीं किया जाता ठीक इट इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क ऑप्शन है इंटरफेस कार्ड केबल कंप्यूटर या मॉडेम ये क्वेश्चन भी एन एस सी सीजल टू थाउजेंड आ चुका है जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या है 2012 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जरूर से नोट डाउन करिए। इनमें से कौन सा नेटवर्क कौन सी डिवाइस नहीं यूज होती इसमें लोकल एरिया नेटवर्क में ठीक है थेक्या? Which of the following item it is items is not used in local area network? तो so right answer chaliye batate hain ki kya hai right answer hai modem theek okay? modem use nahi hota local area network पे land पर land man यानी networking की जो class नहीं कर पाएं playlist में जाके सारी theory classes properly कर लीजिएगा चलिए आज का question number fifteen what is m-commerce m-commerce क्या है option है मशीन कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स मनी कॉमर्स या मार्केटिंग कॉमर्स एस एस सी सीजीएल टू थाउजेंड ट्वेल्व में ये क्वेश्चन आ चुका है आज पीपीटी में बहुत ज्यादा गलत टाइप है ठीक 2012 पे ये क्वेश्चन आ चुका है ठीक एस एस सी सी जी एल दो हजार बारह पे एम कॉमर्स क्या होता है ट इज एम कॉमर्स सॉरी तो चलिए फिर टाइम अप करते हैं। राइट आंसर बताते हैं कि क्या है राइट आंसर है मोबाइल कॉमर्स एम कॉमर्स इज अ मोबाइल कॉमर्स इन्वेंटेड द मॉडम किसने मॉडम को इन्वेंट किया एस एस सी सीजियल दो हज़ार बारह में क्वेश्चन आ चुका है ऑप्शन है एप्पल कंप्यूटर इंच डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन वॉन्ग लेबोरेटरी एल टी डी ए टी एंड टी इंफॉर्मेशन सिस्टम हु इन्वेंटेड द मॉडम जल्दी जल्दी राइट आंसर बताओ चलिए राइट आंसर बताते हैं कि क्या है राइट right आंसर है एंटी इंफॉर्मेशन सिस्टम ने मोडम को इन्वेंट किया था ठीक राइट आंसर क्वेश्चन है व्हाट इज नेम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्पेस अवेलेबल अवेलेबल इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑप्शन है रो ब्लॉक सेल फिक्सल ये क्वेश्चन भी ऐसे सी सीजल टूथाउजेंड ट्वेल्व में आ चुका है एमएस एक्सेल से तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जरूर से नोट डाउन करें और इम्पोर्टेंट जरूर से लिख लें चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए कि क्या मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ गिवन टू स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्पेस अवेलेबल इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट डेटा अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर पे चलिए फिर राइट right आंसर बताते हैं कि क्या है सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है वो होती है सेल ठीक सेल इज़ अ वेरी स्मॉल स्मॉल यूनिट ऑफ अ डेटा स्पेस अवेलेबल इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर चलिए फिर क्वेश्चन हमारे एटीन में आते हैं अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज ऑप्शन है मैस ट्री ये क्वेश्चन टू थाउजेंड ट्वेल्व में आ चुका है ये भी ठीक ये टोपोलॉजी से क्वेश्चन है जो बच्चे टोपोलॉजी की क्लासेस नहीं कर पाए हैं प्ले लिस्ट में आपको टोपोलॉजी की पूरी क्लासेस मिल जाएगी कितने टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी होते हैं ट्री टोपोलॉजी क्या होता है मैस टोपोलॉजी क्या होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है सिक्स टाइप ऑफ टोपोलॉजी आप प्रॉपरली थ्योरी क्लास में अटेंड करके पढ़ सकते हो ठीक तो जरूर से पढ़ें अन अल्टरनेट नेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्ट नेटवर्क टोपोलॉजी इज चलिए फिर इसका राइट right आंसर बताते हैं राइट right आंसर है मैस टोपोलॉजी देखिए चलिए मैस टोपोलॉजी का थोड़ा सा फिगर भी जान लेते हैं मैस टोपोलॉजी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम यानी कि हर एक सिस्टम पर एक सिस्टम से डायरेक्टली अटैच होती है ठीक सपोज दैट ये सिस्टम 1 है ये सिस्टम 2 3 4 5 सिक्स ठीक तो ये मैस्ट टोपोलॉजी कैसे होती है वन वाली जो टोपोलॉजी है वो टू से भी कनेक्ट होती है टू वाली थ्री से भी थ्री वाली फोर से भी फोर वाली फाइव से भी फाइव वाली सिक्स से भी और सिक्स वाली वन से भी ठीक ये हर एक टोपोलॉजी एक दूसरे से कनेक्ट होती है अब जो सिक्स वाली टोपोलॉजी है वो वन से भी कनेक्ट है फाइव से भी कनेक्ट है टू से भी कनेक्ट हो जाएगी थ्री से भी कनेक्ट हो जाएगी फोर से भी कनेक्ट हो जाएगी ठीक है अब जो फिफ्थ वाली टोपोलॉजी है वो वन से भी कनेक्ट हो जाएगी टू से भी कनेक्ट हो जाएगी फोर और सिक्स से ऑलरेडी कनेक्टेड है और थ्री से भी कनेक्ट हो जाएगी तो इस तरीके से ये टोपोलॉजी होती है ठीक अब जो ये फोर वाली टोपोलॉजी है वो थ्री से भी कनेक्टेड है फाइव से भी कनेक्टेड हो गई सिक्स से भी कनेक्टेड हो गई वन से नहीं हुई तो वन से भी हो जाएगी और टू से नहीं कनेक्ट है तो टू से भी हो जाएगी अब थ्री वाली टोपोलॉजी है जो किससे फाइव से भी कनेक्ट है फो, सॉरी फोर से भी कनेक्ट है टू से भी कनेक्ट है फाइव से भी कनेक्ट हो गई और सिक्स से भी कनेक्ट हो गई और वन से भी कनेक्ट हो गई यानी कि हर एक टोपोलॉजी हर एक पर एक टोपोलॉजी हर एक नोट दूसरे एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है इंटरकनेक्टेड होता है इसीलिए इसे मैस टोपोलॉजी कहा जाता है क्योंकि ये क्या होती है मैस होती है एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है मिक्सड होती है चलिए नेक्स्ट आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आते हैं व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट्स ऑप्शन है हेक्साडेसिमल सिस्टम बाइनरी सिस्टम बोथ हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम ओनली रोमन सिस्टम ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2003 में आ चुका है तो जल्दी से बताइए वट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिजिटल सर्किट तो चलिए फिर राइट आंसर इसका बताते हैं कि क्या है राइट आंसर है बाइनरी सिस्टम ठीक आप सभी को पता है कि जो डिजिटल uh, सर्किट होती है डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो सारी किससे होते हैं बाइनरी सिस्टम से चलिए डिजिटल सर्किट इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल बाइनरी सिस्टम चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है वो सॉरी विच ऑफ दिंटर ठीक इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है ठीक डेसीविल प्रिंटर इंजेक्ट प्रिंटर बबल जेट प्रिंटर लेजर प्रिंटर ये क्वेश्चन एस एस सी सी टू थाउजेंड थर्टीन में आ चुका है जल्दी से राइट आंसर बताइए प्रिंटर कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है ये तो आई थिंक प्रिंटर का क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है तभी लोग सही बताइएगा विच ऑफ द is an impact printer. तो चलिए फिर राइट आंसर बताते हैं टाइम अप करते हैं राइट आंसर है डेजी विल प्रिंटर ठीक डेजी विल प्रिंटर नॉन मैंट्रिस प्रिंटर ये सारी इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं ठीक तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे जो नहीं आए होंगे वो ज़रूर से आप लाइव सेक्शन में नेक्स्ट लाइव सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं ठीक है तो आई होप कि आपको अच्छी लगी हो क्लास ज़रूर से लाइक like, शेयर कर दें सब्सक्राइब भी कर लें जो नए स्टूडेंट आ रहे हों जो अपडेटेड क्लासेस की नोटिफिकेशन चाहते हैं और कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल से ठीक तो हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेते आएंगे अभी अभी हम पढ़ा रहे हैं एसएससी बैंक रेलवे एक साथ अब हम रिसेंटली ही लेकर आएंगे आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कंप्यूटर के सिलेबस के साथ और फिर

चलिए फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लाइव क्लास में बाय बाय एवरीवन थैंक्स फॉर वाचिंग